अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर उसामा अकील। आज हमारा एमएस ऑफिस का लेक्चर नंबर 69 है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपनी जो डायरेक्शन है एक्सेल की फाइल की, सेल की डायरेक्शन, वो किस तरह से हम चेंज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हमारे पास जो कॉलम्स स्टार्ट हो रहे हैं वो लेफ्ट साइड से हो रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, ए बी सी डी, इस तरीके से। अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये यहाँ से हो, राइट साइड से हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे सिंपली यहाँ पर फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें जाना है ऑप्शंस पे। और ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक बॉक्स ओपन होगा एक्सेल ऑप्शंस का। इसमें हमने एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करेंगे और इसको हम थोड़ा सा ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, और यहाँ पर हमें देखना है डिफॉल्ट डायरेक्शन को। ठीक है, अभी क्या हुई भी है, लेफ्ट टू राइट, हम इसको कर देंगे राइट टू लेफ्ट और इसको ओके कर देंगे। अब जैसे दिखाएं, जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो अब ये जो है वो फिलहाल कुछ भी चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन ये चेंज हो चुका है। मैं न्यू शेल शीट पे जाता हूँ, देखें ए से आ गई और सारा कुछ चेंज हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाली वैसे ही है, सेकंड वाली जो है वो हमारे पास चेंज हो चुकी है, ए बी सी डी। अब इसी तरीके से अगर मुझे जो है वो मैं और अगर फाइल ऐड करता हूँ तो उस पर भी राइट टू लेफ्ट ही हो जाएगा। अब अगर मुझे दोबारा चेंज करना है तो सिंपली मैंने इसी जो है वो ऑप्शन पे जाना है, ऑप्शन पे क्लिक किया, एडवांस पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके मैं इसको दोबारा से डिफॉल्ट में जाके लेफ्ट टू राइट कर दूंगा और इसको ओके कर दूंगा। अब मैं जब नई शीट ओपन करूँगा तो देखिएगा आप, दोबारा से हमारा जो काम है वो पहले की तरह हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।